हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए एक इंडो चाइनीज डिश लेके आ रहा हूँ, शेजवान एग मसाला। तो शेजवान एग मसाला बनाने के लिए हमें पहले एक कढ़ाई गरम करनी है। कढ़ाई गरम होने के बाद उसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। जब पानी गरम हो जाए तो उसमें हम 4 मीडियम प्याज थिनली स्लाइस किया हुआ डाल देंगे। प्याज डालने के बाद फिर हम उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक जूलियंस। इसे हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। फिर हम इसके ऊपर एक ग्रिल रखेंगे और हम इसमें 4 अंडे और 2 मीडियम टमाटर छोटे कटे हुए हमें प्याज के साथ ही पकाएंगे। दोस्तों, मैं ये डबल डेकर कुकिंग स्टाइल आपको बता रहा हूँ, जहाँ हम 2 से 3 वेजिटेबल्स हम एक साथ पका रहे हैं। इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाएगा और गैस भी सेव हो जाएगा। तो एक बार टमाटर और अंडे पक गए, हम इन्हें ग्रिल के ऊपर से निकाल लेंगे। हम ग्रिल को भी निकाल देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह हमारा ये प्याज पक चुका है। प्याज एक बार पक जाए तो इसमें हम शेजवान चटनी ऐड करेंगे। यहाँ हम 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो शेजवान चटनी में जो ऑयल होता है, हम उसी से ये सारा डिश प्रिपेयर कर रहे हैं। हम कुछ एडिशनल ऑयल इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छी तरह हम इसे मिला लेंगे प्याज के साथ। जब ये चटनी अच्छी तरह प्याज में मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ हम कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा, या कम तीखा चाहिए तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे टमाटर, जो पहले हमने स्टीम करके रखे हुए थे, हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे बंद करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी पकी हुई है तो इसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने के लिए। अगर ग्रेवी आपकी ज़्यादा आपको थिक लग रही है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितनी ग्रेवी, कितनी गाढ़ी चाहिए। तो कम गाढ़ी चाहिए तो आप कम पानी डाल सकते हैं। एक बार इसमें उबाला आ जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने अंडे पहले बॉईल करके रखे थे, उसमें हम 4 कट करेंगे और फिर इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। ये हम कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेवी में डालते वक्त जो मसाला है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो जब आप अंडा खाएंगे तो उसमें भी इसका मसाला का टेस्ट अच्छी तरह आएगा। इस तरह हमें ग्रेवी में डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से ढक के 5 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे, ताकि इसमें पूरा मसाला कोट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा शेजवान एग मसाला पक के रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे आप शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।